अगर आपके लैपटॉप की स्पीड स्लो है और आप उसको स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रोसेस है वो फॉलो करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले आप जाइए अपने कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को है आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे यहाँ पर तो क्या दिखेगा, आपको सिस्टम दिखेगा। तो यहाँ पर आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी को ओपन कर दीजिए। सिस्टम एंड सिक्योरिटी को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम को आपको चेक करना है। तो यहाँ पर इस सिस्टम को आप चेक करेंगे, सिस्टम में आपकी प्रोसेसर बता देगा, जो भी मेमोरी है वो बता देगा आपको। तो यहाँ पर आपको जाना है एडवांस पे, जैसे कि सिस्टम एड प्रोटेक्शन है, ये एडवांस सिस्टम सेटिंग है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में आपको जाना है यहाँ से। तो जैसे एडवांस सिस्टम सेटिंग हो गए, यहाँ पर आपको सेटिंग दिखाई दे रही है, इस सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके लेट विंडो चूज दैट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, इसको छोड़ करके आपको सेलेक्ट करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपेयरेंस, या फिर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो विजुअल इफेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। एक तो ये है प्रोसेस, इसको सिस्टम परफॉर्मेंस प्रोसेस बोलते हैं। अब दूसरी प्रोसेस हम देखते हैं। दूसरी प्रोसेस में आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको डालना है डी फ्रेगमेंट, और डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव है ये आपको डालना है, और फिर आप इसको ओपन कर दीजिए। इधर मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल है इसको बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये ड्राइव होगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डी फ्रेगमेंट में ये विंडो सी वाली है, इसको आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ऑप्टिमाइज कर दी है तो ये यहाँ पर पूछेगा कि आप यहाँ पर जो करंट स्टेटस है वो 0% एनालिसिस आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ फाइलें हैं जो आपको डिलीट करनी है, अननेसेसरी फाइल है, वो यहाँ पर आपको बता देगा, तो उसके अकॉर्डिंग है ये आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहले से ये ऑन है तो इस वजह से ये वीकली ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होता है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए, या सेटिंग में चेंज करके आप वीकली या फिर डेली या मंथली आप इसको रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीकली यहाँ पर चूज किया हुआ है और इसको आप क्लोज कर दीजिए। थर्ड चीज हम देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, जो टेम्परेरी फाइल है यहाँ पर उनको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें विंडो की दबानी है। विंडो की में जो रन विंडो है उसमें हमें जाना है, और इस रन विंडो को ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे परसेंट TEMPT, यानी कि TEMP, और फिर परसेंट डालेंगे यहाँ पर और फिर हम दबा देंगे एंटर। तो यहाँ पर जो भी हमारी टेम्परेरी फाइल हैं, जो भी यहाँ पर ओपन हो रही हैं, इनको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए के साथ में और फिर डिलीट कर देना है।
तो ये हमारी टेम्परेरी फाइल हैं जो यहाँ पर एक साथ डिलीट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से भी आपकी स्पीड है यहाँ पर इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये कैच मेमोरी को घेरती है। तो कुछ फाइलें यहाँ पर रह जाती हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। तो जो भी ये कैच मेमोरी है आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। लगेगा हम यहाँ पर देखते हैं इसको। जैसे हम देखें यहाँ पर टेम्परेरी जो भी फाइल है यहाँ पर वो डिलीट हो गई। अब इनके डिलीट होने के बाद में यहाँ पर फिर से हम विंडो रन में दबाते हैं, यानी विंडो प्लस आर, विंडो रन की। अब यहाँ पर हम परसेंट को हटा देते हैं और सिर्फ टेम्प टेम्प यहाँ पर लिखते हैं और फिर आपको रन करना है, यानी ओके दबाना है। यहाँ पर जो भी फाइल आएंगे उनको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर परमिशन दे देनी है और जो भी ये फाइल आ रही है इसको कंट्रोल ए के साथ में सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद में हम एक और प्रोसेस देखेंगे इसी सेक्शन से रिलेटेड। एक और यहां पर हमें प्रोसेस करनी है, क्या विंडो प्लस आर बटन दबाना है। यहां पर टेम्प फाइल की जगह हमें लिखना है प्रीफेज, प्रीफेज FETCH, और फिर आपको ओके दबाना है प्रीफेज फाइल। प्रीफेज फाइल को भी आपको यहाँ पर परमिशन देनी है और फिर कंट्रोल ए दबाकर इनको भी यहाँ पर सबको डिलीट करना है। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये काम है आपको सप्ते में एक बार कर लेना है। अगर आपको इसकी स्पीड है वो लैपटॉप की कंटिन्यू रखनी है या अच्छी रखनी है। एक फाइनल प्रोसेस यहाँ पर बच रहा है, वो हम देखते हैं डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पीसी में जाना है, यानी कि आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने डिस्क पीसी में जाइए और या फिर जो भी पीसी है यहाँ पर विंडो सी के में प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पर आ रहा है डिस्क क्लीनर, यहाँ से आपकी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइलें हैं, जो भी बेकार सी फाइलें हैं वो यहाँ पर क्लीन हो जाएंगी। तो ये डिस्क क्लीनर आपको करना है और यहाँ पर डिस्क क्लीनर फाइलें हैं वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगी कि विंडो सी में कितनी डिस्क क्लीनर फाइल हैं जो कि क्लीन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसमें से आप अपने डिस्क क्लीनर फाइलें हैं उनको क्लीनअप सिस्टम फाइल यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0 बाइट है यहाँ पर, इसलिए
इनको छोड़ दें, जैसे डाउनलोड में है तो डाउनलोड में कुछ कर सकते हैं, या डिलीवरी ऑप्टिमाइजिंग फाइल्स में है कुछ तो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में है कुछ तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको आप क्लीनअप सिस्टम फाइल्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सिस्टम में जो भी फाइलें हैं वो यहाँ पर आपकी क्लीन हो जाएंगी, जो कि ज़्यादा स्पेस ले रही हैं या फिर कैश मेमोरी को झेल रही हैं, तो यहाँ पर ये क्लीन हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर कैलकुलेट होने में और क्लीन होने में। तो ये सारी पांच प्रोसेस हैं या जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये आप अपने लैपटॉप में वीकली या मंथली ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपके लैपटॉप की स्पीड है वो कंटिन्यू बनी रहे। तो ये सब करने के बाद में आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है यहाँ पर इंक्रीज हुई होगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर ये सारी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं।